अगली खबर आ रही है मैनपुरी से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जो हादसा हुआ है वह बहुत दुखद है, जहां मेरे देश के जवान और अधिकारियों की जान गई है। भविष्य में ऐसा ना हो मैं इस मौके पर दुख प्रकट कर रहा हूं। तो वहीं उनके परिवार के प्रति मैं कहना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि उनको दुख को सहन करने की शक्ति मिले और भविष्य में सरकार यह तय करे कि भविष्य में इस तरीके का दोबारा हादसा ना हो, जहां जवान और अधिकारियों की जान चली गई। वहीं यूपी के भी 4 जवानों की जान गई है। किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित जा सके, उसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। हमारे फौज के लोग बड़ी जोखिम उठाकर देश की सेवा कर रहे हैं। हादसा हुआ है, बहुत दुखद है, जहां हमारे देश के जवान और अधिकारियों का जान गई है। भविष्य में ऐसा ना हो मैं इस मौके पर जहां दुख प्रकट कर रहा हूं, वहीं उनके परिवार के प्रति मैं कहना चाहता हूं कि भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले और भविष्य में सरकार ये तय करे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, जहां हमारे जवान और अधिकारियों की जान चली गई। वहीं यूपी के भी 4 जवान हैं जिनकी इसमें जान गई है। किस तरीके से सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसकी व्यवस्था और इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। हमारे फौज के लोग बड़ा जोखिम उठा करके देश की सेवा कर रहे हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।